हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नवोदय विद्यालय भर्ती सीरीज का ये नवा भाग है। यदि आपने आठों पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर में आपको अर्थिंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण से कौन सी धारा पृथ्वी में चली जाती है? तो इसका आंसर है लीकेज करंट। अगला क्वेश्चन, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है 3 ओम। अगला क्वेश्चन, भवनों में अर्थ लाइन के लिए निम्न में से किस धातु के तार का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर है तांबे का या कॉपर का। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम के अर्धचालक का न्यूनतम आकार किससे कम नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार का न्यूनतम आकार होना चाहिए? तो इसका आंसर है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है 60x60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन, धातु प्लेट पाइप या अन्य चालक या चालकों का एक बड़ा समूह जो वैद्युतिक दृष्टिकोण से पृथ्वी की सतह से संपर्कित है वो क्या कहलाता है? तो आपका आंसर है अर्थ इलेक्ट्रोड। अगला क्वेश्चन, ISI के अनुसार, ISI का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, तो इसके अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज आयरन पाइप के अंतः व्यास का न्यूनतम आकार कितना होता है? तो इसका आंसर है 38 mm। अगला क्वेश्चन, GI पाइप के लिए भू संपर्कन आवश्यक है, तो इसका आंसर है लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए। अगला क्वेश्चन, ISI संहिता के अनुसार कॉपर अर्थ प्लेट की न्यूनतम बीमाएँ कितनी होती हैं? तो इसका आंसर है 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3.18 मीटर। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है अतिरिक्त धारा से उपकरण की सुरक्षा करने के लिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका आंसर है 1 किलो ओम। अगला क्वेश्चन, ISI संहिता के अनुसार अर्थिंग के लिए किस रंग के तार की अनुशंसा होती है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको सभी लोगों को पता होगा, तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ग्रीन या हरा। अगला क्वेश्चन, CTS का पूरा नाम क्या है? तो CTS का पूरा नाम होता है कैप टायर सील्ड। अगला क्वेश्चन, कितने वोल्टेज सप्लाई से अधिक के लिए अर्थिंग अनिवार्य है? तो आपका आंसर है 125 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर कितने वोल्टेज तक सहन कर सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहली वाली क्लास में कराया था, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, 90 वोल्ट। 90 वोल्ट से अधिक अगर शरीर में करंट जाता है तो शरीर को झटका लगता है। ये क्वेश्चन कभी कभी अलग तरीके से भी पूछा सकता है कि मानव शरीर जो हमारा होता है उसके लिए कितने वोल्टेज से अधिक खतरनाक साबित हो सकती है, तो वो होता है 90 वोल्टेज से अधिक। अगला क्वेश्चन, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोड की लंबाई के 1 गुना। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युतीय उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित क्यों करना आवश्यक है? तो इसका आंसर है विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का वैद्युतिक विभव या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो कितना माना जाता है? तो इसका आंसर है 0 या 0। अगला क्वेश्चन, नम भूमि का प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है? तो इसका आंसर है 3000 ओम पर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः शरीर में कितने मिली एम्पियर से अधिक धारा प्रवाह खतरनाक हो सकती है? तो अभी वोल्टेज की बात हो रही थी, इस क्वेश्चन में करंट की बात हो रही है,
तो इसका आंसर है 50 मिली एम्पियर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 50 मिली एम्पियर इसका आंसर है, आप लोग ध्यान याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB, ठीक है, निम्न में से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करता है? तो इसका आंसर है लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस युक्ति के लिए दोहरी अर्थिंग की जाती है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है मोटर, जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर, तो इसका आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय विद्युत नियमानुसार कितने लोड से ऊपर के लिए भवन में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या ELCB लगाया जाना आवश्यक होता है? तो इसका आंसर है 5 किलोवाट। अगला क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में अर्थिंग लाइन हेतु आजकल प्रयोग किए जाने वाला तार या केबल कौन सा है? तो इसका आंसर है 14 SWG PVC कॉपर केबल। अगर हम SWG की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, PVC की अगर बात करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन है, अर्थिंग में नमी के लिए क्या भरा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।